फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर वन चैनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार बोर्ड गुरुजी। तो आज की वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्व के, ठीक है, क्लास ट्वेल्व का मैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? तो इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फाइनली 21 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, उसको भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? इनमें से चार ऑप्शन है, विपक्षी गठबंधन, भारत के नागरिकों, भारतीय साम्यवादी पार्टी, किसी का नहीं। तो इनमें से चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी गठबंधन का नारा था, ठीक है, इंदिरा हटाओ का नारा। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अकाली दल, जी हाँ फ्रेंड्स, अकाली दल का राजनीतिक दल है, अकाली दल किस राज्य का जो है राजनीतिक दल है? तो इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब स्टेट का अकाली दल जो है राजनीतिक दल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जी हाँ फ्रेंड्स, संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है वो किसने किया? इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान से देखते हैं, और वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1972 का शिमला समझौता, ठीक है, 1972 का शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे इंदिरा गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? ठीक है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नाम संगठन कब बना था? जिस टाइम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, 26 कब का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया, ठीक है, वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप कैसा हो गया? इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनल इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक गाँव हो गया। कैसा हो गया? वैश्विक गाँव हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर आप लोग बताइए। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ठीक है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? इनमें से चार ऑप्शन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1974। ये सब क्वेश्चन जितना भी करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को रिपीटिंग करके भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया गया है? इनमें से चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो फाइनली 29 का राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है वो किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? जो अंगीकृत किया गया था वो वर्ष था 1949 ईस्वी। कब? 1949 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे? तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जो है बिहार के फर्स्ट CM थे। कौन थे? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई?
तो 32 का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो फाइनल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई, कब? 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने सोवियत संघ में, ठीक है, परेस्तोइका की शुरुआत की, ठीक है, किसने सोवियत संघ में परेस्तोइका की शुरुआत की? इनमें से चार ऑप्शन है, फाइनली 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिखाइल गोरबाचोव, ठीक है, मिखाइल गोरबाचोव ने हो, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रख लेना, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था किस चीज़ पर, ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन है, तो फाइनली 34 का राइट आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों पर, किस पर? भारी उद्योगों पर। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे, ठीक है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन थे? इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। 35 का जो है राइट आंसर की मैं बात करूँ वो हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, ठीक है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? इनमें से चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। शीत युद्ध का जो है अंत हुआ था 1991 ईस्वी को, कब हुआ था? 1991 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इनमें से चार ऑप्शन है, फाइनली 37 का, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो इनमें से चार ऑप्शन है, फाइनली 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी, कब? 1992 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? इनमें से चार ऑप्शन है, फाइनली, ठीक है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1992 को हुआ था, जो कि 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो है विध्वंस हुआ था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए आपको किस किस सब्जेक्ट का, ठीक है, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।